हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे थे, स्टेप अप फंक्शन भी उसे बोलते हैं। अब रेगुलर करते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आगे। तो देखिए आप, सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको टू दे, कह दे कि x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। तो x किसको बिलोंग करेगा, है ना? x की बिलोंगिंग किस किस से होगी फ्रेंड्स, ध्यान से देखते हैं। 2 कब कब आएगा, सोचने वाली बात है। अगर x इजिकल टू अपन इसमें 2 पुट करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2। मैं 2.1 पुट करता हूं तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2। मैं 2.2 पुट करूं तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, 2। ऐसे 2.9 तक पुट करूंगा तब तक मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, 2। ऐसे 3 से पहले के जितने भी जस्ट पहले तक के नंबर इसमें पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, 2। कैसे, देखिए, जैसे आपने पुट किया 2.95, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर पुट करा तो इंटीजर पार्ट क्या होगा इसका, इंटीजर पार्ट होगा इसका 2। तो आंसर क्या आया, 2। कहने का मतलब यहां से अपने को समझ में आया कि x की बिलोंगिंग किससे बनेगी, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा, लेस देन 3 होगा। x क्या होगा, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेस देन 3 होगा। तो इससे क्या सेंस निकलेगा कि अगर 2 से लेके, 2 से स्टार्ट करके 3 से पहले तक के जितने भी नंबर अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो उनका इंटीजर पार्ट तो क्या होगा, 2 ही तो होगा। आप खुद सोचिए, 2.95555 ऐसे ले, इंटीजर पार्ट क्या है, 2। तो आंसर क्या आएगा, 2। आगे चलते हैं। सपोज अपन ले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 1, देखना आप, तो 1 कब कब आएगा फ्रेंड्स, 1 कब कब आएगा, सिंपल सा, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेस देन 2। आप कुछ सोचिए, x की वैल्यू 1 रखें यहां पे तो आउटपुट 1 आएगा, 1.1 रखूं तो भी इंटीजर 1 होगा, 1.2 रखूं तो भी इंटीजर पार्ट 1 होगा, ऐसे 1.999 रखूं तो भी इंटीजर पार्ट 1 होगा। तो 2 से पहले तक के जितने भी नंबर्स डालूंगा तो इंटीजर पार्ट तो क्या आएगा, 1, और फ्रैक्शनल पार्ट बाकी बचा जो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं यहां 0 ले लेता तो आप क्या कहते हैं, 0 कब आएगा, सोचिए 0 कब आएगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेस देन 1। 1 से लेस लेंगे और 0 के ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे तो फ्रेंड्स मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0। कैसे, सपोज मैं 1 से लेस लूं 0.99999, ये 5, तो सोचो ये वाला तो क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट, इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। सपोज 0 डालू तो भी क्या आएगा, 0। इनके बीच के नंबर पे भी क्या आएगा, 0। तो आप समझ गए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है तो 0 से ये कहां तक जाएगा, 1 तक, लेकिन 1 से लेस इन 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू। अब चलते माइनस पे, सपोज x इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इजिकल टू -1, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या है, -1 है फ्रेंड्स, देखें तो -1 कैसे आएगा, -1 कैसे आएगा, अच्छी बात। तो x किसको बिलोंग करेगा फ्रेंड्स, x बिलोंग करेगा अपने माइनस, x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा, देखे फ्रेंड्स, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x है एंड लेस देन क्या है, 0। -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x है, लेस देन क्या है, 0। सपोज आप इसमें रखेंगे 0 से लेस में क्या होगा, माइनस, जैसे आपने रखा 0 से लेस में 0.2, क्या रखा, -0.2। सोचना आप 0 से लेस कहां कहां होंगे, देखो नंबर लाइन बनाओ आप, ये तो -1, ये 0, इनसे जो लेस इधर नंबर आएंगे ये क्या होगा, -0.1, -0.2, ऐसे चलता जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट बिल्कुल नजदीक में -0.9999, यूं आ जाएगा, है ना? तो ये नंबर आए अपने पास, सपोज मैंने इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दिया, किसको, जैसे -0.1 को ही डाल दिया, तो आप खुद सोचो ना यार, ये माइनस में, माइनस में तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे -0.1, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे -1 + 1 - 0.1, तो -1 एंड +0.9, ये तो फ्रैक्शन पार्ट होगा, ये इंटीजर पार्ट होगा, तो इंटीजर पार्ट क्या होगा, -1, फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, +0.9, क्योंकि अपन क्या करते हैं, +-1 करना पड़ेगा, नेगेटिव का नंबर है, करना पड़ेगा, नहीं कर पड़ेगा, तो क्या आएगा, 0 के इधर, और दूसरा अपना मेथड भी देख लो, 0 के इधर जितने भी नंबर होंगे तो अपन इधर चलेंगे और सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्या होगा, सबसे पहले अपने को इंटीजर कौन सा मिलेगा, -1, तो आंसर क्या होगा, -1। तो और करते हैं अपन ऐसी प्रैक्टिस, इसको नोट डाउन करें आप। देखिए फ्रेंड्स, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इज इक्वल टू -2 ले अपन, -2 ले तो क्या होगा,
देखो x किसको बिलोंग करेगा, माइनस टू से ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेस देन माइनस वन, माइनस वन से लेस देन, और माइनस टू से ग्रेटर देन इक्वल टू। कैसे देखो, ये माइनस वन होता है, ये माइनस टू होता है। माइनस वन से लेस मतलब इधर ही आएंगे सारे के सारे नंबर्स, इधर आएंगे, ये होगा देखो माइनस वन पॉइंट वन, ये होगा माइनस वन पॉइंट टू, ऐसे चलता जाएगा। मतलब बेटर ये माइनस वन पॉइंट वन हो गया, ये माइनस वन पॉइंट टू हो गया, यू चलता जाएगा। तो जब यहां से अपन इधर की ओर लेफ्ट साइड में टर्न मारेंगे, यहां से किधर टर्न मारेंगे, लेफ्ट साइड में टर्न मारेंगे, मतलब जाना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इंटीजर्स कौन सा आएगा, माइनस टू। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनका माइनस टू, क्योंकि इधर ही तो लेफ्ट में ही तो आते हैं अपन। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके बीच में जो भी नंबर डालेंगे और माइनस टू पुट करने पे माइनस टू आएगा, बाकी माइनस वन से माइनस टू के बीच के नंबर डालेंगे तो अपने पास माइनस टू आएगा। आप कहेंगे सर माइनस टू पॉइंट वन डालें, देखे भैया देखो माइनस टू पॉइंट वन डालोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री। क्यों, क्योंकि माइनस थ्री तो क्या होगा, इंटीजर पार्ट, एंड प्लस पॉइंट नाइन क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों को एड करो माइनस टू पॉइंट वन। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि जब ये चीजें होती है तो क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो नोट डाउन करें, अब चलते हैं अपन ग्राफ की ओर। फ्रेंड्स, तो अब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, जिसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा, देखो फ्रेंड्स, ये तो अपनी एक्स एक्सिस होती है, ये अपनी, सॉरी, ये वाई एक्सिस होती है, ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एंड एक्स डेस, ये वाई एंड ये वाई डेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना, ये मार्किंग कर लेते हैं वन टू थ्री, एंड यहां पर भी कर लेते हैं वन टू थ्री, एंड यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये हो गया माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अपना फंक्शन क्या है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये फंक्शन है। फ्रेंड्स देखिए, जस्ट अपन ने अभी सीखा है, जब जीरो से वन के बीच के नंबर, जीरो से वन के बीच के नंबर, वन से पहले तक, है ना, देखो एक्स किससे बिलोंगिंग करते हैं, एक्स जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, मतलब जीरो के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन वन नंबर अगर मैं इस बॉक्स में डालता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा, तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या मिलेगा फ्रेंड्स, मुझे मिलेगा जीरो। सोचिए आप, अगर जीरो इसमें डाला तो जीरो मिला, जीरो पॉइंट वन डाला तो भी जीरो मिला, जीरो पॉइंट टू डाला तो भी जीरो मिला, जीरो पॉइंट नाइन 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 डाला तो भी इंटीजर पार्ट क्या मिला, जीरो मिला, मिला कि नहीं मिला। चलो प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाकी को तो नहीं देखेंगे। जैसे आपने रखा 0.1, आपको क्या मिला, जीरो। आपने रखा 0.2, आपको क्या मिला, जीरो। डेस 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 आपने लिखा 0.9, आपको क्या मिला, जीरो, इंटीजर पार्ट। तो इन सब का इंटीजर पार्ट क्या है, जीरो। एंड आपने रखा फ्रेंड, सबसे पहले अगर जीरो, सबसे पहले आपने क्या रखा, जीरो पुट किया यहाँ पे, तो भी आपको इंटीजर पार्ट क्या मिला, जीरो। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक आपको ये इंटीजर पार्ट जीरो मिलेगा, एंड यहां पे आके एक अपन ने आप ओपन सर्कल बना दिया। कैसा सर्कल बना दिया, ओपन सर्कल, ऐसा ओपन सर्कल बनाया। आप कहेंगे सर आपने ओपन सर्कल क्यों बनाया, भैया इसमें ले जाके जैसे आपने वन पुट करा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर में वन पुट करते वैल्यू क्या आएगी, वन। तो वन पे क्या होगा, ब्लैक सर्कल बनेगा यहां पर, और वन पे बनेगा, तो वन पे जीरो नहीं होगा, इसलिए वन पे अपन ने ओपन सर्कल बनाया और वहां जाके ब्लैक सर्कल बना दिया। अब देखना फ्रेंड्स, अगर 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ले, लेस देन 2 ले, जस्ट अपन अभी सीखा है, अगर ये लें तो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, 1 पुट करने पे 1 मिलेगा, एंड 2 से लेस यानी 1.9999 तक पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट करेंगे तो इंटीजर पार्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी 1 से 2 तक ये क्या चलेगा, यूं चलेगा। फिर जैसे ही लाके आपने इसमें 2 पुट किया, टू पुट करते ही फ्रेंड्स आपको क्या मिलने लग जाएगा, आपको यहां पे तो मिलेगा वन, लेकिन टू पुट करते ही आपको क्या मिलेगा, टू। सोचिए ये टू लाके यहां पुट किया तो आपको टू मिलेगा, इसलिए टू पे क्या आएगा, ओपन सर्कल, और टू रखते ही आपको टू मिला, इस पे ब्लैक सर्कल। अब टू से लेके थ्री के पहले तक के नंबर इसमें रखेंगे तो आपको वापस क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, टू मिलने वाला है, तो आप यू चलते जाएंगे थ्री तक, यहां ओपन सर्कल। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आपको क्या, चलो एक बार वापस डिस्कस करते हैं सब कुछ, है ना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी नहीं आ रहा तो जस्ट अपन ने अभी चीजें पढ़ी है, मैं और वापस समझा देता हूं थोड़ा। जीरो से लेके वन के पहले तक, जीरो से स्टार्ट करके, जीरो से प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वन से पहले तक के नंबर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो इंटीजर पार्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आएगा मतलब ये लाइन जीरो को टच करते हुए चलेगी, सारे पॉइंट जीरो आएंगे, तो इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचती। वन जैसे ही पुट किया इसमें, मुझे क्या मिला, वन, तो मैं वन मेरा यहां चला गया, इसलिए यहां ओपन सर्कल आया। अब 1 से आगे 2 तक चला तो मुझे वापस 1 से 2 के बीच में यहां पुट करने पे 1.1 पे 1,
1.2 पे 1, 1.3 पे 1, 1.9 पे भी 1, चलता गया लाइन 1 पे, लेकिन जैसे 2 पुट किया वैल्यू क्या आ गई 2, तो मतलब यहां ओपन सर्कल 2 वहां चला गया। फिर 2 से आगे चलने पे देखो, वापस 2 से आगे चलने पे 2.1 पुट करने पे 2, 2.2 पुट करने पे 2, 2.3 पुट करने पे 2 एंड 2.9 पुट करने पे 2, तो 2 पे चलता गया। फिर जैसे 3 पे आया, ओपन सर्कल आया, वो 3 पुट करते ही वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, तो 3 पुट करते ही अपन ऊपर जाते हैं, फिर यहां ब्लैक सर्कल करते हैं और यो चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स यो सारा का सारा कारवा अपना चलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखें फ्रेंड्स, जब मैं 0 से -1 पुट करता हूं, क्या करता हूं 0 से -1 जीरो के इधर पुट करता हूं, मतलब x की बिलोंगिंग क्या है -1 से ग्रेटर देन x लेस देन 0, अगर मैं ये पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट मिलेगा मुझे -1। देखिए आपने क्या पुट करा, आपने जैसे जस्ट 0 से इधर आए तो अब देखो ये थोड़ा सा आपने ज्यादा नीचे लिख दिया, इसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था अपन को, ये यहां होगा कुछ -1, ये होगा -2 है ना, एंड ये होगा -3। अब देखो जैसे मैंने 0 के इधर पुट किया, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आएगा। क्यों आएगा थोड़ा समझ ले, सपोज आप इसमें क्या क्या पुट करेंगे, -0.1, -0.2 एंड लास्ट में जा जाते हैं आप -1 पे पहुंचेंगे, -1 पे 1, इस पे भी -1, इस पे भी -1। क्यों, आपको पता है माइनस का है, -1 करेंगे +1 करेंगे तो फ्रैक्शन एंड इंटीजर, तो -1 क्या आएगा इंटीजर पार्ट। तो यहां पे क्या आएगा 1 पे, देखो 1 पे आपको मिले, 0 पे, 0 पे तो ओपन सर्कल बना दो, 0 के इधर आते ही आपको क्या मिलेगा -1 मिलेगा, और -1 पे भी क्या मिलेगा -1 मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1, इस पे अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या मिलेगा -2 मिलेगा, क्या मिलेगा -2, -1 के इधर आते ही -2 तक अपने को क्या मिलेगा -2 मिलेगा, तो यहां से स्टार्ट करा -2 से और 2 पे -2। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि ये सीढ़ियां बन रही, यूं ये चढ़ा ये चढ़ा ये चढ़ा ये चढ़ा ये चढ़ा, तो ये अपना था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या था इस टाइप में ये चलता ही जाएगा। अब ये सीढ़ियां यूं कि यूं सेम टू सेम सीढ़ियां चलती जाएगी आगे आगे आगे, इधर भी सीढ़ियां ऊपर 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 चलती जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसे हुआ क्या हुआ सब समझा दिया आपको। अब बात कर लेते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की। इसका डोमेन क्या होगा फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन में आपने देखा सारे के सारे रियल नंबर्स अपन ने रखे हैं, किसी को उसने मना नहीं किया कि भाई तू अंदर मत आ, तो ऑल रियल नंबर आर पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। तो पॉसिबल इनपुट वैल्यूज क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। तो मैं डोमेन की जगह क्या पुट कर दूंगा फ्रेंड्स, आर पुट कर दूंगा, डोमेन की जगह क्या पुट कर दूंगा आर। एंड रेंज क्या होगी फ्रेंड्स, रेंज में आप देखें आपके पास केवल और केवल इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, रेंज में आपके पास क्या आ रही इंटीग्रल वैल्यू, 0 आया आपके पास, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, -1 आया, -2 आया, -3 आया, तो आप क्या लिखेंगे रेंज में, रेंज में आप लिखेंगे फ्रेंड्स आई, आई मतलब इंटीग्रल वैल्यू, सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यू यानी सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे रेंज होगी, तो डोमेन क्या होगा आर होगा। तो ये क्लियर होगा फ्रेंड्स आपके, इसको नोट डाउन कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और देख लेते हैं अपन, अगर 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये फंक्शन बना दे अपन, क्या भैया फंक्शन क्या बना दिया अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये फंक्शन बना दिया, तो फंक्शन बना दिया ये, तो फ्रेंड्स अपने पास डोमेन क्या आएगा एंड रेंज क्या आएगी, ये डोमेन एंड ये रेंज, ये डोमेन ये रेंज। तो डोमेन क्या आने वाला फ्रेंड्स अपने पास, सोचिए आप डोमेन क्या आएगा, डोमेन में आप देखो यहां पे ये नीचे आने पे अपने पास एक चीज हुई कि ये वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और अपन ढूंढते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो कब होता है, ये जीरो है तो एक्स की बिलोंगिंग क्या बनेगी, जीरो से ग्रेटर लेस देन वन। अगर ये जीरो है तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन पे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट क्या होता है जीरो होता है इसका, है ना, ये जीरो होता है, इसका मतलब फ्रेंड्स मुझे डोमेन जो R था उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, R में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 0 to 1, ये सारे के सारे रियल नंबर्स 0 से लेके 1 तक माइनस करने पड़ेंगे, 1 पे ओपन आएगा क्योंकि 1 से लेस एंड 0 पे इक्वल का साइन क्लोज आएगा इंटरवल, ये अपन ने माइनस कर दिया, माइनस इसलिए कर दिया कि इन नंबर्स पे, इन रियल नंबर्स पे ये वाला बॉक्स है जो 0 इंटीजर देगा, 0 देगा तो 1/0 हो जाएगा जो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, इसलिए अपन को इसमें से ये माइनस करना पड़ा जो डोमेन था उसमें से। चले आगे, चलो आगे चले तो देखो अपने पास अब क्या आएगा, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस,
वन अपॉन दिस का मतलब क्या हुआ, देखो फ्रेंड्स थोड़ी जगह चाहिए मुझे, मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार, है ना, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आपने इसको समझ लिया होगा। देखो रेंज में अपन क्या करेंगे, रेंज में अपने पास वन अपॉन एन फॉर्म आएगी, एन एलिमेंट ऑफ क्या होगा आई इंटीजर्स। देखो ये वन, ये एन नीचे आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी ऑलवेज इंटीजर, मैंने इसको एन अज्यूम कर लिया, और एन क्या है एलिमेंट ऑफ आई इंटीजर पार्ट है, लेकिन आई क्या नहीं होना चाहिए, आई माइनस जीरो, आई कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो होता तो मामला गड़बड़ हो जाता, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती। तो इंटीजर पार्ट में से अपन ने जीरो को हटा लिया, इंटीजर पार्ट में से जीरो को हटा लिया, इसलिए हटा लिया कि जब जीरो से वन अपन लेंगे ही नहीं तो ये पार्ट कभी जीरो होगा ही नहीं, अपन ने ये हटा दिया तो ये वाला पार्ट कभी जीरो होगा ही नहीं, तो वन अपॉन जीरो कभी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो एन ये है जो एन एलिमेंट ऑफ आई माइनस जीरो, तो यानी एन कभी भी आई माइनस जीरो मतलब इंटीजर्स में से जीरो को हटा दिया, एन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये हो गया इसका डोमेन एंड रेंज, किसका, वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं।